नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव की डायरी में आपका स्वागत है। बिहार चुनावों को लेकर हम निरंतर बिहार अपडेट पर चर्चा करते रहते हैं। नए नए मुद्दे, नई नई बातें, नई नई गठबंधन, जो भी बिहार की राजनीति में अभी चल रहा है उस पर हम आपसे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना के चलते टाले जाने वाले चुनाव और आरोप प्रत्यारोप के बीच में एक नई बात जो अभी निकल कर आई है। आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि जो बिहार में कोरोना फैल रहा है उसको फैलाने में मोदी और नीतीश यानी बीजेपी जेडीयू का हाथ है। तो ये अपने आप में बड़ी विचित्र सी बात है। अभी ये सारे दल एक तरीके से प्रयास कर रहे थे कि चुनाव टल जाएं कोरोना को लेकर, लेकिन अब इस तरीके के आरोप लगाना, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या तथ्य और क्या बातें हैं, इस पर चर्चा करेंगे आज हम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी, आपका स्वागत है। रवि जी धन्यवाद। हमारे साथ बनी हुई है अनीता चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अनीता जी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अतुल जी। और सोशल मीडिया एक्सपर्ट मनीष वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी आपका भी स्वागत है जी, धन्यवाद। रवि जी सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो राजनीति के ये जो बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव है इनमें तो अभी समय है, लेकिन जिस प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दे उठकर और निकलकर सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े अजीबोगरीब से। ये जो आरोप तेजस्वी ने लगाया है कि भाई जो बिहार में कोरोना फैल रहा है उसके पीछे बीजेपी जेडीयू का हाथ है, मोदी नीतीश का हाथ है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल असंवेदनशील, हास्यास्पद और बहुत ही बेतुका बयान इसको कहा जाना चाहिए। असल में हुआ क्या है कि जो मुख्यमंत्री निवास के कुछ कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसके बाद वहाँ सैनिटाइजेशन और जो भी प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई होती है वो की गई, और अभी हाल में ही बीजेपी जो मुख्यालय है पटना में, वहाँ करीब 75 लोगों की, कर्मचारियों की जो वहाँ कार्यालय में काम करते हैं और जो नेता हैं वहाँ आते जाते हैं, तो उनकी कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें से 24 या शायद 25 को कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसमें कर्मचारी भी शामिल हैं और बिहार बीजेपी इकाई के कुछ नेता भी शामिल हैं। तो ये ठीक है कि वो संपर्क में आए होंगे स्वाभाविक तौर पे, जो भी प्रोटोकॉल कोरोना के लिए निर्धारित किया गया है कि केंद्रीय स्तर पर और हम कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पालन होता है और लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसका मतलब ये कह देना बिल्कुल एक अमर्यादित बयान मैं कहूंगा इसको कि जेडीयू और बीजेपी कोरोना फैला रहे हैं। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी साथ साथ जोड़ा है कि ये लोग कोरोना तो फैला ही रहे हैं और चुनाव की बात कर करके, वर्चुअल रैली की बात कर करके, तो इसमें चुनाव और वर्चुअल रैली और कोरोना फैलाना ही कहां से ये एक दूसरे। मुझे लगता है कि ये बयान बिल्कुल उनका हताशा का प्रतीक है, क्योंकि वे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव होने जा रहे हैं, होने वाले हैं, उनकी तिथियां आगे बढ़ाई जाएं। हम लोग कई बार इस बिहार चुनाव की डायरी में विस्तार से इसके कारणों, किंतुओं, परंतुओं पर चर्चा कर चुके हैं, तो वे लगातार समय टालने का, समय बढ़वाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी मंशा बहुत स्पष्ट भी नजर आती है। लेकिन इस समय पे इस तरह के असंसदीय, ये मेरे ख्याल से पांचवा या छठवां विशेषण होगा जो मैंने मेरे जहन में आया, ये बयान इस तरीके के नहीं देने चाहिए। जी रवि जी, जो जिस प्रकार के बातचीत हम लोगों की पहले भी हुई और अभी पिछले कार्यक्रम में अनीता जी का भी कहना यही था कि जिस प्रकार से विपक्ष ने कोरोना को लेकर अपने दायित्वों को निर्वाह किया है, कहीं ना कहीं वो उनको बता रहा है, वो उनको डरा रहा है, क्योंकि वो पूर्णतया कटे रह गए, तेजस्वी कहीं जनता के बीच में कोरोना काल में नहीं दिखाई दिए, और अब जब चीजें संभलने को है तो कहीं ना कहीं उस भय को लोगों के मन से निकालने की बजाय वो और डर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अनिता इस जो अनिता जी ये जो बयान है तेजस्वी का, और अभी कोरोना की स्थिति क्योंकि बिहार में धीरे धीरे विकट ही है और संघर्ष सरकार और जनता दोनों ही लोग मिलकर लगे हुए इससे लड़ने में, और अभी 15 दिन का एक लॉकडाउन भी डिसाइड हुआ है कि भाई
वो किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के बयान कहीं क्या मायने रखते हैं? जी बिल्कुल अतुल जी, मैं किस तरह से तेजस्वी यादव लगातार खुद से कुछ बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि तेजस्वी यादव राजनीति के मैदान में कितने एमेच्योर हैं और सत्ता की लालसा में वो कितने बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट और अपरिपक्वता दोनों साफ साफ नजर आ रही है तेजस्वी यादव की। अब अगर हम कोरोना की बात करें तो एक वैश्विक महामारी है, चीन जहां से ये बीमारी फैली, आज तक चीन तो ये मानने को तैयार नहीं कि और ना ही हम साबित कर पाए हैं कि चीन की वजह से पूरे विश्व में कोरोना फैला है। और अगर हम देखें तो कोरोना, अगर मुख्यमंत्री हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री निवास तक उनके कर्मचारी हैं वो उनको वो इन्फेक्टेड हुए हैं या कोई कार्यकर्ता इन्फेक्टेड हुआ है या इस तरह की बात है। अगर हम बाकी कंट्रीज को देखें तो वहां के पीएम से लेके प्रेसिडेंट ये सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। कोविड 19 ने किसी को नहीं छोड़ा है। तो जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के लिए काम करेगा और जो जनता के साथ खड़ा रहेगा इस कोविड 19 के पैंडेमिक पीरियड में, जाहिर सी बात है वो वायरस भी उनको ही अटैक करेगा। जो बंद कमरे में सील होके लगातार एक एक बयान देते हुए अपने आप को सेफ गार्ड बना के आक्रामक रहेंगे, वो पॉलिटिक्स करेंगे लेकिन जनहित की बातें नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बौखलाहट, वो इमैच्योरिटी जो है वो साफ नजर आएगी और वो राजनीति के मैदान में भी नजर आएगी, जनता के बीच में भी नजर आएगी। तो मेरा तेजस्वी के लिए यही सलाह है कि जब वो आए थे राजनीति के मैदान में तो काफी उभरते हुए राजनीति के सितारा माने जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो इस पे कदम रखते गए, आगे बढ़ते गए, ऐसा लगा कि जो उम्मीदें थी तेजस्वी से वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं। उनको राजनीतिक सेंस नहीं है, वो एक एक्सटेंसिव, कोई भी जब पॉलिटिक्स करता है तो उसमें एक राजनेता के अंदर में वो सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता जो है वो जरूर होनी चाहिए। उस संवेदनशीलता के साथ जब वो संवेदना के साथ जब वो जनता के बीच में जाता है तो कहीं ना कहीं जनता से दिली लगाव होता है, जुड़ाव होता है जो वोट में कन्वर्ट होता है। मगर तेजस्वी यादव इस महामारी के समय में हम देखें तो ये दिल जीतने में पूरी तरह से नाकाम रहे और जो वक्तव्य उनके रहे हैं वो भी हास्यास्पद ही रहते हैं। कहीं ना कहीं वो जो अपने सहयोगी दल है कांग्रेस, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी, उनका अनुसरण करते हुए ही नजर आते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस प्रकार से या चीन को लेकर जिस प्रकार से राहुल ने भी देश को या देश की सरकार को या देश की फौज को या मोदी के बहाने उनको घेरने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में आया कि राजनीतिक तौर से कितने कमजोर और ठहरे हुए व्यक्ति हैं राहुल गांधी। और तेजस्वी भी कुछ उसी तरीके का अनुसरण करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लालू की जो लीगेसी है, जो एक राजनीतिक जो चातुर्य था, जिस प्रकार से उन्होंने 15 साल राज किया और आज भी काफी लोगों के दिलों में लालू जी की एक छवि जो बनी हुई है वो उनके लिए वोट में कन्वर्ट होती है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी चीज भी ध्यान में आई है रवि जी की, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो इससे पहले कभी दिखाई सुनाई नहीं दिए गए, राजेश राठौड़ जी, उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बयान के बहाने मोदी और गिरिराज को घेरने की कोशिश की है। ये इसके बारे में इसका क्या संदर्भ बन सकता है, आप बताएं जरा। देखिए, बात राहुल गांधी से शुरू करता हूँ। पिछले आम चुनाव में 19 में हमने देखा, उस समय मैं झारखंड में ही मौजूद था काफी एक दो महीने तक, तो हमने देखा कि न केवल बिहार झारखंड बल्कि बाकी पूरे देश में राहुल गांधी जिस तरह से मोदी को एक छबड़े में सर पर रख कर के घूमते रहे, हर चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से वो मोदी 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 इतना चिल्लाए कि उनको उनका प्रदर्शन बहुत खराब हुआ। और सब जानते हैं कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली और एनडीए की सरकार कितने ज्यादा ताकत के साथ दोबारा केंद्र में आई। अब अगर कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता अगर केपी शर्मा ओली, जो नेपाल के प्रधानमंत्री
हैं और जिनको जिनका जिनकी कुर्सी को लेकर बहुत रस्सा कशी उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ही इस समय बनी हुई है, वो अगर कोई बेतुका बयान देते हैं, इस तरह का बयान देते हैं, उन्होंने कहा कि राम तो यूपी के अयोध्या में नहीं पैदा हुए थे, ये तो भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है नेपाल की धरोहर पर, नेपाल की विरासत पर, उनके हिसाब से जनकपुरी जहां सीता पैदा हुई थी उनके उसके आसपास करीब 100-150 किलोमीटर दूर कहीं एक गांव में अयोध्या, उसका नाम भी शायद अयोध्या रहा होगा, इसीलिए ये तुक मिलाई होगी उन्होंने या जो भी कारण उनके रहे हों। और बड़ा हास्यास्पद तर्क उन्होंने दिया कि उस समय टेलीफोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो शादी इतनी दूर जाके तय कैसे हो गई। अब उनको कोई ये बताए कि उस समय क्या राम के बाद या बौद्ध काल को लेकर देश में जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लेके जो कालखंड है, तो पटना से बिहार से निकल करके बौद्ध धर्म श्रीलंका और जाने कहां कहां सुदूर देशों में पहुंच गया, तो क्या वो मोबाइल और टेलीफोन के जरिए कोई पहुंचा होगा। तो बहुत सारे केपी शर्मा ओली से तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। और जो बिहार कांग्रेस के जो प्रवक्ता जिनका बयान कुछ वेबसाइट्स पे आया है, उन्होंने ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री जिनकी मोदी जिनकी 56 इंच की छाती है वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र उसमें किया है कि केपी शर्मा ओली के बयान के विरोध में योगी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, और बिहार के जो बड़े खाटी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं गिरिराज, उनके लिए भी कहा है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब कोई उनसे ये पूछे कि कोई भी किसी भी दुनिया में कोई बहुत ही बचकाना बेतुका बयान अगर कोई देता है, तो क्या हर उस बयान का जवाब एक सक्षम व्यक्तित्व को देकर अपना समय नष्ट करना चाहिए है? ये कौन सा सवाल है। और फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आप बिहार में कांग्रेस की स्थिति एक तो वैसे ही बहुत नाजुक दौर में है, ऐसे में आप वहां पर इस तरह के जो आस्थागत प्रश्न हैं अगर आप उठाएंगे, और ऐसे समय में उठाएंगे जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जोरों पर है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी पार्टी का के लिए कितना बड़ा गड्ढा यहाँ राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर के लिए नींव खुद रही होगी, और वहां बिहार में कांग्रेस के लिए वो खुद अपना गड्ढा खोदने में लगे हुए। जी बिल्कुल। और एक बड़ा एक सवाल ये भी तो उठता है अनिता की भी, आप कांग्रेस में हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी क्यों नहीं जवाब दे रहे, गिरिराज क्यों नहीं जवाब दे रहे, 56 इंची का सीना, तो भाई कुछ इंची का सीना तो आपके नेता का भी होगा, तो आप उनसे कहिए या आप खुद ही क्यों नहीं बयान दे देते इस मामले पर और कुछ बात कहते हैं, ये भी तो बात बनती है। राहुल कांग्रेस जो है वो उसने भारत के इतिहास को समझा ही नहीं, जाना नहीं और नहीं पढ़ने की चेष्टा की। भारत का मर्म क्या है ये राहुल कांग्रेस को नहीं पता है। इनफैक्ट सोनिया कांग्रेस से ही ये जो इतिहास था वो गायब होना शुरू हो गया था। वो सुपरफिशियल नेता जो कांग्रेस के हैं, जो कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं और उसके बाद वो इलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सोचते हैं कि भारत वही इलीट क्लास को फॉलो करता है, तो एक बड़ी ही बहुत बड़ी मिथ है। तो जब नॉलेज होगा और जब गट्स होगा तभी कोई जवाब दे सकता है। बात अगर केपी ओली की करें तो केपी ओली और प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तो क्योंकि केपी ओली को जवाब देना जरूरी नहीं है। भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत ही अच्छा है और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे केपी ओली जैसे नेता आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन इस केपी ओली के चक्कर में भारत और नेपाल के रिश्ते कभी खराब नहीं हो सकते, और ना ही भारत करेगा और ना ही नेपाल की जनता करनी चाहेगी। अगर केपी ओली ने ये सवाल प्रश्न उठाए हैं, आखिर अयोध्या से कैसे पहुंच गए बिहार का बॉर्डर लगता हुआ नेपाल में और वहां जनकपुरी में शादी कैसे कर ली, तो केपी ओली को शायद खुद भी नहीं पता है रामायण का इतिहास, क्योंकि राम भले ही पैदा हुए थे अयोध्या में, लेकिन राम की शिक्षा जो है, जो पूरी पूरी अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा है, वो बिहार में हुई थी, बक्सर में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो रहे थे, उसके बाद बिहार के अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी,
उसी दौरान जब पता चला कि जनकपुरी में की राजकुमारी का जो वरमाला होना है और शिव के धनुष को तोड़ने वाला ही उसका उसका भाग्य वर हो सकता है, तो वशिष्ठ मुनि जो है वो वहां पहुंचे, अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे थे कि हमारा शिष्य को जो हमने शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी है क्या वो इस शिव के गांडीव को तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता है। और कहीं ना कहीं अपने गुरु की परीक्षा में राम जो है वो पास हुए थे और सीता के साथ उनका विवाह हुआ था, तो बहुत ही लगा हुआ बॉर्डर है जहां शिक्षा ग्रहण हुई थी। और क्योंकि उस वक्त में ऐसी मर्यादा होती थी, जो गुरु बोल देते थे माँ बाप वही मान लेते थे, तो गुरु ने बोला कि हाँ यहाँ शादी होनी चाहिए, तो जो राम के पिता थे दशरथ उन्होंने भी गाजे बाजे के साथ बारात लेके वहां, जब उनको पता चला कि हाँ उन्होंने तोड़ दिया तो पहुंच गया और शादी हो गई। तो केपी ओली को भी रामायण पढ़ना बहुत जरूरी है, और क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं, चाइना से के ट्रैप में आए हुए हैं और उस चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं, तो निकलने की भरसक कोशिश में वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। लेकिन केपी ओली को यह भी पूछना, नेपाल की जनता से पूछना चाहिए कि क्या नेपाल की जनता उनके इस उनका जो ये बयान आया उससे इत्तेफाक रखती है, क्या नेपाल की जनता इस बात से भारत से अपने संबंध खराब करना चाहती है। तो बेवकूफा बयान है, हर बेवकूफी का जवाब हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री नहीं देते, हर बेवकूफी का जवाब देना वो लाजमी नहीं समझते। जी रवि जी कुछ कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा था कि आम चुनाव में हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा था कि राहुल गांधी और बहुत से कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर जाकर के जनेऊ और तिलक लगा करके वो सॉफ्ट हिंदुत्व का एक संदेश देना चाह रहे थे, तो राम क्या राहुल गांधी के नहीं हैं? कांग्रेस प्रवक्ता का अगर ये बयान थोड़ा गंभीरता से ले लिया जाए तो इससे तो यही साबित होता है कि राम में कांग्रेस की कम से कम कोई आस्था राम कृष्ण और इस सब कांग्रेस नहीं। राम से मना कर चुकी है, राम हाँ, के अस्तित्व में पहले भी कांग्रेस सवाल खड़े कर चुकी है। और दूसरी चीज, दूसरी बात थोड़ा सा और पढ़ लिख लेते तो बौद्ध धर्म का जो मैंने जिक्र किया था, राहुल उस समय एक बड़ा किरदार हुआ करता था, तो राहुल गांधी अपने नाम के इतिहास के बारे में अगर जान लेते तो भी उन्हें शायद ये केपी शर्मा ओली के बयान का जवाब देने का उनकी कोई उत्कंठा आकांक्षा अभिलाषा कामना उनके मन में उसका अंकुर थोड़ा बहुत तो फूटता। जी जी मनीष जी, सोशल मीडिया पे अभी क्या ट्रेंड कर रहा है? बिहार में 15 दिन का लॉकडाउन होने जा रहा है और इस तरीके की बयानबाजी चल रही है, तो आप हमें जरा अवगत कराएं कि अभी सोशल मीडिया पर किस प्रकार की ट्रेंडिंग और क्या मुद्दे चल रहे हैं चुनाव को लेकर। हाँ, जैसा कि अभी तेजस्वी का बयान आया था कि ये जदयू भाजपा वाले कोरोना फैला रहे हैं, तो तेजस्वी ज्यादा ऐसे उठपटांग बयान आजकल दे रहे हैं, पता नहीं उनके ऊपर चुनाव का प्रेशर है या क्या है, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि शायद चुनाव का प्रेशर उनके ऊपर है, क्योंकि पिछले साल जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो कई रैलियां तेजस्वी ज्यादा प्रेशर के कारण नहीं कर पाए थे, कई जगह उनके प्रतिनिधि जो टिकट के दावेदार थे या फिर जो जिनको टिकट दिया गया था राजद से, उन्होंने उनका इंतजार किया और उनका हेलीकॉप्टर घूम फिर के पटना में जाके उनके घर के पास रुक गया। तो मुझे लगता है ज्यादा या फिर सोशल मीडिया पे जो चर्चा है ज्यादातर यही कि शायद वो प्रेशर में आके दबाव में आके इस तरह का उठपटांग बयान दे रहे हैं कि जदयू भाजपा वाले। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि चुनाव अभी नहीं कराना चाहिए, जदयू भाजपा वाले लाशों पर चुनाव करवाना चाहते हैं। फिर अभी वो कह रहे हैं जदयू भाजपा वाले कोरोना फैला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि इतना बड़ा चुनाव वो हैंडल कैसे कर पाएंगे, इसलिए इस तरह का उठपटांग बयान दे रहे हैं। जहां तक लॉकडाउन बढ़ने का प्रश्न है तो बिहार में दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे थे, इसके पीछे शायद सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब हो मामला हो या फिर लोग ज्यादा जागरूक हो के जो नियम है COVID-19 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए हैं उसको शायद लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे। शादी ब्याह बड़े धूमधाम से हो रहे हैं, सोशल गैदरिंग हो रही है, तो निश्चित तौर पर लॉकडाउन शायद काम कर जाएगा, शायद मामले आने रुक जाएंगे। इधर पिछले 2-3 दिनों में मामले 1,000 से ऊपर आने लगे, तो सरकार को जाहिर सी बात है कि सरकार को इस पर एक्शन लेना जरूरी था। कई जिला के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन कर रखा था, तो एक बार पूरे बिहार में सरकार ने निर्णय लेकर 14-15 दिनों का लॉकडाउन जो भी लगाया है वो लगाया है।
तीसरी बात, आपने जो बोली बोला कि ये जो कांग्रेस के राजेश सिंह राठौर हैं, तो चर्चा में बने रहने के लिए कांग्रेस के लोगों को कुछ मुद्दा चाहिए। अब उनके पास वो जमीनी मुद्दे तो उठाने से रहे, इतने दिनों से कभी उन्होंने कभी उद्योग धंधे या रोजगार के लिए कोई संघर्ष तो किया नहीं, तो उनके पास जो मुद्दे बच जाते हैं अनर्गल, जिन पर कोई टिप्पणी नहीं करता, तो उन पर वो टिप्पणी करके शायद वो खबरों में बने रहना चाहते हैं। अब केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री, उनका अपना कुछ अपने देश में चल रहा है, उनकी सत्ता जाने वाली है, उनकी कुर्सी जाने वाली है, तो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ भारत साजिश कर रहा है। वैसे में इन्होंने एक बयान दे दिया कि जो जो अयोध्या है वो नेपाल में है, जो इतने उन्होंने ये भी कहा कि उस समय टेलीफोन वगैरह होते नहीं थे, तो इतनी दूर शादियां कैसे हो सकती थी। तो शायद उनको ये पता नहीं होगा कि भगवान राम के की जो माता थी वो कई कई देश की थी। अयोध्या कहाँ है और कई कई कहाँ है, वो शायद जो भूगोल से परिचित होंगे उनको पता होगा। तो जब राजा दशरथ की शादी कैकई में हो सकती है, तो फिर अयोध्या, यूपी के अयोध्या से भगवान राम की शादी जनकपुर में क्यों नहीं हो सकती। तो इस तरह की चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पर, इस तरह की बातें हो रही हैं। जी रवि जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रसंगवश मुझे एकदम से याद आया कि 1816 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी और तत्कालीन जो राजा थे, सम्राट थे नेपाल के, उनके बीच 2 वर्ष तक युद्ध चला और उसके बाद 1816 में एक संधि हुई थी जिसको हम लोग सुगौली संधि के नाम से जानते हैं। हालांकि बहुत लंबा विषय है। 1950 में आजादी के बाद हम लोग 1947 में आजाद हुए, तो 1950 में नेपाल के साथ एक फ्रेश एग्रीमेंट हुआ था, बहुत सारे जमीनी विवाद। और तो 1816 की जो सुगौली संधि है, जहां तक मेरी जानकारी है, उस समय बिहार का मिथिलांचल उसका भी बंटवारा हुआ था। और चूंकि रिश्ते इतने आने आने जाने वाले थे हम लोगों के और उस इलाके के बीच में, तो जमीन पर कोई सीमा रेखा न तब खींची गई न अब भी खींची हुई है। तो कहीं ना कहीं जनकपुरी भी भारत का ही हिस्सा है। ये बात अगर केपी शर्मा ओली कहेंगे तो मुझे लगता है कि इधर से ये आंदोलन भी शुरू होने की पूरी पूरी आशंका है कि भारत का मिथिलांचल ये आवाज उठाए कि जनकपुर नेपाल का हिस्सा नहीं है बल्कि भारत का ही हिस्सा है। 204 साल पहले जो संधि हुई उसके तहत वो बंटवारा हुआ था। तो कहीं इनका, केपी शर्मा ओली का ये बयान बूमरंग नहीं कर जाए। जी, मुझे तो एक चीज बस मुझे लगता इसमें है एक कि सब इस मुद्दे को उठाना भी चाहिए, मिथिलांचल के लोगों को इस मुद्दे को उठाना चाहिए कि जनकपुरी जो उनके उनका हिस्सा था, उनका उनके उनकी उनकी जमीन थी, किसी किसी ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने उसको किसी को दे दिया। अब हिंदुस्तान का जो है वो अखंड भारत हो चुका है, इसलिए अखंड भारत की वो जमीन जो है वो उसके उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। जनकपुरी जो हमारे हमारी धरोहर है वो हमारे पास आनी चाहिए। चलिए, ये भी मुद्दा क्योंकि अनीता जी के हृदय से जुड़ा हुआ है, इसलिए मिथिलांचल उनके दिल के करीब है, तो उन्होंने ये मांग की है। और उम्मीद है कि कोई गंभीर अगर मुद्दे राजनीतिक दल बनाते हैं तो उसमें से एक गंभीर मुद्दा ये भी हो सकता है कि भाई जनकपुरी, और एक तरीके से ये तो स्वीकार कर ही लिया है ओली ने कम्युनिस्ट होने के बावजूद कि राम थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार की राजनीति जिस प्रकार से मोड़ ले रही है और बिहार में 15 दिन का लॉकडाउन लग रहा है, अभी हमारे को खबर मिली महाराष्ट्र में मुंबई में महानायक जो अमिताभ बच्चन, उनका परिवार कोरोना का शिकार हुआ। जब इतनी सावधानी से रहने वाले इतने बड़े लोगों के घरों में कोरोना पहुंच गया, तो आप और हम किस खेत की मूली है, आप और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर कोई सरकार आपकी मदद नहीं कर सकती, कोई सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती अगर हम स्वयं ना चाहें। तो ये लॉकडाउन आपके भले के लिए है, मुझे लगता है कि आपको और हमको इसका पालन करना चाहिए। ये जो नियम कायदे कानून इस समय बनाए जा रहे हैं वो आपके और हमारे भले के लिए है। तो मुझे लगता है कि 15 दिन आप सुरक्षित रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे और सरकार जो नियम कायदे कानून बना रही है उनका ध्यान रखेंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज के लिए चर्चा सिर्फ कोरोना काल इतनी। में आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार जी बिल्कुल, सिर्फ आपको ठीक आपकी करने के लिए मेडिकल मेडिकल सुविधा प्रदान कर सकती है। आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है।
और जिस प्रकार से कोरोना काल ने रिश्तों को परिभाषित किया, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो एक कहावत थी अकेले आए अकेले जाना है, ऐसे ही कुछ आपके साथ होने वाला है। तो इसलिए सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। रवि जी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता जी आपका भी धन्यवाद। मनीष जी आपका भी धन्यवाद। आप हमारे साथ बिहार चुनाव डायरी में जुड़ सकते हैं। आप हमें ईमेल करें bihar@gmail.com पर। आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड कर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और आप हमसे जुड़े रहिए। 15 दिनों में सुरक्षित रहिए, हमसे मिलते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। धन्यवाद।